स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रोटोकोडेट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं जगदीश प्रसाद, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय देवली। आज के इस लेक्चर वीडियो में प्रोटोकोडेट्स के तीन सबफाइला हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा के मूलभूत लक्षण क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कोडेट के सामान्य लक्षणों के बारे में, जिसके अंदर तीन मूलभूत लक्षण के बारे में अपन ने बात की थी, नोटोकोड की उपस्थिति, नरोकोड की उपस्थिति और फेरिंजियल किलोसीट्स की उपस्थिति। यदि ये मूलभूत लक्षण किसी भी जंतु की जीवन की किसी भी अवस्था के अंदर उपस्थित है तो वह उस जंतु को अपन ने कोडेट समूह के अंदर रखा था। तो उसके बाद में जो कोडेट है उसको दो ग्रुप्स में बांटा था, प्रोटोकोडेट्स एंड यू कोडेट्स या लोअर कोडेट्स या हायर कोडेट्स। जो प्रोटोकोडेट्स होते हैं उनको अपन एक रेनेटा भी कहते हैं, यानी कि इनके अंदर जो ब्रेन बॉक्स है, खोपड़ी है, वह अनुपस्थित होती है और वे जंतु जिनके अंदर खोपड़ी उपस्थित होती है उनको अपन हायर कोडेट्स या वर्टिब्रेट्स की श्रेणी में रखा गया था। क्योंकि ये जो जंतु है ये इनको वर्गीकृत करने के पीछे हमारा मूलभूत उद्देश्य ये है कि जो लोअर कोडेट्स हैं उनके अंदर जो हायर कोडेट्स हैं उनसे कितने ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। बेसिकली ये जो कोडेट्स हैं ये एक रेनेटा समूह के अंदर रखे गए हैं और इसमें नोटोकोड की उपस्थिति के आधार पर, यानी कि जो नोटोकोड जीवन की कौन सी अवस्था के अंदर उपस्थित है और यदि नोटोकोड उपस्थित है तो वो बॉडी के कौन से भाग में उपस्थित है, इसके आधार पर इसे हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा के अंदर वर्गीकृत किया गया है। देखते हैं अपन प्रोटोकोडेट्स के क्या 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 लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो दे आर जनरली फाउंड इन द मेराइन, यानी कि सामान्यतः इनका जो हैबिटेट होता है समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं और इनकी जो शरीर है वो द्विपार्श्व समेत होता है और इनकी बॉडी वाल जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरीय होती है, यानी कि बॉडी जो है वो गुणी अवस्था में एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म से मिलकर के बनी होती है और इनके अंदर सिलोम, वास्तविक जो सिलोम है वो पाई जाती है। ये जीवन की कुछ अवस्थाओं में इनके बॉडी में नोटोकोड विकसित होती है जो कि एक रोट लाइक संरचना होती है और डोर्सल सतह के ऊपर इनके अंदर पाई जाती है। इनमें जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेन सिस्टम लेवल का पाया जाता है और इनके जो दो एग्जांपल अपन आगे बात करके हार्डमानिया और एम्फीऑक्सिस देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोकोडेट्स, प्रोटोकोडेट्स जो है उसको तीन सब फाइला के अंदर डिवाइड किया है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा। देखो अपन इनके शाब्दिक अर्थ के बारे में जानते हैं, हेमी का मतलब होता है आधा, कोडेटा का मतलब नरकोड, नोटोकोड, यानी कि ये आधे कोडेट होते हैं, मतलब कि इनके अंदर जो नोटोकोड पाई जाती है इनके बॉडी के अग्रभाग के अंदर, आधे अग्रभाग के अंदर ही पाई जाती है, अतः इन्हें हेमिकोडेटा कहा गया है। यूरोकोडेटा इनके अंदर नोटोकोड जो इनके कुछ ही भाग टेल रीजन के अंदर पाई जाती है जिसे टेल कोड भी कहा जाता है, यूरो का मतलब ही टेल से होता है, अतः इस जो सब फाइलम है उसका नाम यूरोकोडेटा रखा गया है। सेफेलोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा के जंतुओं में जीवन पर्यंत नोटोकोड पाई जाती है, अग्रभाग से पश्चिम भाग तक ये संपूर्ण शरीर के अंदर पाई जाती है, अतः इसे हेड कोड भी कहा जाता है। देखते हैं हेमिकोडेटा के लक्षण क्या है। ये एकल प्रकार के जंतु होते हैं तथा समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं। इनकी जो बॉडी है वो तीन भागों में डिफ्रेंशिएट होती है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक, ये द्विपार्श्वीय समेत होते हैं और इनमें प्रिमिटिव टाइप की जो नोटोकोड है इनके जो अग्रभाग जिसे प्रोबोसिस कहते हैं उस रीजन के अंदर ही पाई जाती है, अतः इसे स्टोमोकॉर्ड भी कहा जाता है, यानी कि स्टोमोकॉर्ड एक प्रकार की नोटोकोड ही है जो है, और ये वास्तविक नोटोकोड नहीं होती है।
ये जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी तीन जनन स्तरों से बॉडी का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है। इनमें वास्तविक जो सिलोम है ट्यू सिलोम पाई जाती है, और इनका जो शरीर है यू शेप्ड या बिल्कुल स्ट्रेट होता है। यू शेप होने पर इनके अंदर एनस और माउथ जो है एक ही सतह के ऊपर उपस्थित हो सकते हैं। इनका जो तंत्रिका तंत्र है डिफ्यूज प्रकार का, तो विस्तृत प्रकार का नर्व सिस्टम पाया जाता है, और जो कि क्या है वेरिएबल होता है। इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इनमें जो ब्लड है वो कलरलेस होते हैं, यानी कि इसके ब्लड का कोई भी कलर नहीं होता है। उसमें ब्लड कॉर्पसल्स जो है वो नहीं पाई जाती है। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गेन एक सिंगल ग्लोमेरुलस होता है। ये फिल्टर फीडर होते हैं, मतलब कि परानिस्पंदन भोजी होते हैं। इनके चार क्लासेस में इनको बांटा गया है, एंटीरोपनिस्टा, टीरोब्रिंकिया, प्लेक्टोसिफेआइडिया और ग्रेप्टोलिटा, जैसे इसके सिपेलोडिस्कस और रेप्टोप्लूरा। इसमें से अपने दो मुख्य जो क्लासेस है वो इम्पोर्टेंट है, एंटीरोपनिस्टा और टीरोब्रिंकिया, जिनको आप आगे पढ़ेंगे। देखो ये जो स्लाइड है इसके अंदर जो हेमिकोडेटा है उसकी जो क्लासेस है, चार क्लासेस के नाम बताए गए, एंटीरोपनिस्टा, टीरोब्रिंकिया, प्लेक्टोस्पिरुइडिया और ग्रेप्टोलिटा। इसमें जो टीरोब्रिंकिया है उसमें दो ऑर्डर आता है, रेप्टोप्लूरा और सिफेलोडिस्कस। देखते हैं अपन एक एक क्लास के बारे में, मेनली अपन एंटीरोपनिस्टा और टीरोब्रिंकिया इसके बारे में ही बात करेंगे। देखो एंटीरोपनिस्टा, एंटीरोपनिस्टा का जो मुख्य जो प्राणी है उसको अपन एकोर्न वर्म या एम्फीऑक्सिस, इसका सॉरी एम्फीऑक्सिस नहीं, एकोर्न वर्म के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है जो बेलोनोक्लोसस जो है उसी को अपन एकोर्न वर्म कहते हैं। और इसके जो जनरल करेक्टर्स के बारे में आप बात करें तो जो एंटीरोपनिस्टा है, क्लास एंटीरोपनिस्टा के अंदर लगभग 70 स्पीसीज के जंतु पाए जाते हैं। और ये इनकी जो लंबाई होती है 2 सेंटीमीटर से 2.5 मीटर लंबे ये जंतु होते हैं। और ये मेराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, और शिथिला जल जो होता है उसके अंदर, यानी कि कम गहरे पानी के अंदर पाए जाते हैं। और ये एकल प्रकार के होते हैं, यानी कि कॉलोनी बना करके नहीं रहते हैं। इनका जो शरीर है तीन भागों में डिवाइड होता है, प्रोबोसिस, कोलर एंड ट्रंक। इसमें पूर्ण विकसित गिल स्लिट्स पाई जाती है, और इसके जो अग्रभाग जो है उसमें स्टोमोकॉर्ड पाए जाते हैं, जो कि एक नोटोकॉर्ड ही होती है। इसमें पृष्ठ सतह पर नर्व सेल्स एक प्रिकर्सर के रूप में पाई जाती है, जो कि बाद में एक नर्व कोड बनाती है, जो डोर्सल साइड में स्थित होती है, और खोखली नर्व कोड इनके अंदर पाई जाती है। इनमें जो जनन होता है वो लैंगिक जनन पाया जाता है, और ये बिल बना करके रहते हैं और फिल्टर फीडर होते हैं। तो ये एंटीरोपनिस्टा के जो करेक्टर्स जो है, और इसमें जो मुख्य एग्जांपल है वो बेलोनोक्लोसस का अपन इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड जो है उसको अपन बोलते हैं टीरोब्रिंकिया, सेकंड टीरोब्रिंकिया क्लासेस है। और इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि ये छोटे प्रकार के जंतु होते हैं, और गहरे समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, और कॉलोनी बना करके रहते हैं। इसके जो डोर्सल साइड है उसके ऊपर नर्व कोड या नोटोकोड का कोई भी जो ट्रेस है वो नहीं पाया जाता। ये इनमें इनकी जो प्रोबोसिस है वो मॉडिफाइड हो जाती है, और उसके ऊपर एक शील्ड के समान संरचना बना लेती है, जैसे कि ये जो शील्ड आप देख सकते हैं, शील्ड के समान संरचना बना लेती है। इनमें जो कोलर है वो टेंटिकल्स में विकसित हो जाती है, कोलर इज मॉडिफाइड इनटू द टेंटिकल्स। इनकी जो ट्रंक होती है वो छोटी होती है, और एक थैले के समान संरचना में परिवर्तित हो जाती है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि सामान्यतः बडिंग के द्वारा होता है। इसमें एक या किसी भी प्रकार की फिरेंजियल गिल सीट्स, या कि फिरेंजियल गिल सीट्स या तो अनुपस्थित होगी या होगी तो क्या संख्या में एक होती। इनकी बॉडी जो है वो प्रोटीन के कोलेजन प्रोटीन के द्वारा ढकी होती है। जैसे प्लेक्टोस्पिरिडिया, इसमें एग्जांपल अपन प्लेक्टोस्पिरिडिया, इसमें जनरल करेक्टर्स को अपन देखें तो ये छोटे होते हैं, राउंडेड गोलाकार प्रकार के होते हैं, और ट्रांसपेरेंट होते हैं, और पिलेजिक लार्वी होते हैं। और इसमें जो लार्वल बॉडी जो होती है उसके ऊपर कवरिंग
पाई जाती है और जिसके ऊपर सीलियरी बैंड्स पाए जाते हैं, इनमें एलिमेंट्री जो केनल है वो एल शेप्ड पाई जाती है। ग्रेप्टोलिटा, ग्रेप्टोलिटा की जनरल करेक्टर्स में देखते हैं, ये जो है बहुत ही प्रिमिटिव प्रकार के प्रोटोकोडेट्स थे जो कि विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे ग्रेप्टोलिटा के अंदर जो हेमिकोडेट के जो जंतु हैं वो लगभग फोसिल के रूप में ये पाए जाते हैं और इसमें काइटिनियस स्केलेटन उपस्थित होता है और ये कॉलोनियल हैबिटेट में रहने वाले जंतु होते थे जो कि अब पूर्णतः विलुप्त हो चुके हैं, केवल इनके फॉसिल फॉर्म ही उपस्थित है। तो प्रोटोकोडेट करके जो हेमिकोडेट है उसके बारे में अपन ने चारों क्लासेस के बारे में पढ़ लिया था। अब अपन आगे जो दूसरा जो सब फाइलम है जिसको अपन यूरोकोडेटा कहते हैं, इसको ट्यूबिकेटा भी कहा जाता है और इसका मुख्य एग्जाम्पल जो है वो हार्डमानिया है। देखते हैं अपन यूरोकोडेट के अंदर कौन कौन से करेक्टर्स पाए जाते हैं। इनके इनको अपन यूरो का मतलब होता है टेल, अतः इन्हें हम टेल कोडेट्स भी कहते हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव कोडेट्स होते हैं यानी कि आदिम प्रकार के कोडेट्स ये होते हैं और ये केवल समुद्री जल के अंदर ही पाए जाते हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं, मतलब कि केवल समुद्री जल के अंदर ही उपस्थित होते हैं। दे आर सेसाइल इन फिल्टर फीडर यानी कि एक स्थान के ऊपर स्थानबद्ध जंतु होते हैं और इनकी जो फीडिंग हैबिट है वो फिल्टर फीडर प्रकार के होते हैं, परानिष्पन्दभोजी जंतु ये होते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द ट्यूनिकेट्स बिकॉज देयर बॉडी इज सराउंडेड बाय द लिटल सीथ कंपोस्ट ऑफ ट्यूनिक सीथ, यानी कि इनको अपन ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पर एक चमड़े के समान लीदर सीथ का एक बाह्य जो खोल है वो पाया जाता है जो कि ट्यूनिसिन से बना होता है, अतः इन्हें अपन ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं। ट्यूनिसिन एक प्रकार का सेलुलोस प्रकार के सेलुलोस टाइप का केमिकल मटेरियल होता है जो कि इनकी बॉडी को कवर करता है, इसे ट्यूनिसिन या टेस्ट पाया जाता है। इसमें मूलभूत जो लक्षण है इसका रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब ये है कि इनका जो एडल्ट जो होता है वो एडल्ट इनके लार्वा की तुलना में कम विकसित होता है और यूरोकोडेटा के अंदर जो कोडेट के लक्षण है वो इनकी लार्वल स्टेज के अंदर ही उपस्थित होते हैं। जब ये लार्वा जो कि गतिशील होता है, इसके अंदर जो कोडेट्स के मूलभूत लक्षण जैसे नोटोकोड है, नरोकोड है, ये सब इसके अंदर उपस्थित हुए, टेल वगैरह सब पाई जाती है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर मेटामोसिस की क्रिया होती है ये एक स्थानबद्ध एडल्ट के रूप में परिवर्तित होता है जिसमें नोटोकोड अनुपस्थित होती है, यानी कि कोडेट के लक्षण उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। मूलभूत कोडेट के लक्षण उसमें हार्डमानिया की जो एडल्ट है उसके अंदर नहीं देखे जाते हैं, केवल लार्वल स्टेज के अंदर ही कोडेट के लक्षण देखे जाते हैं। इस प्रकार ऐसा लार्वा जो कि विकसित है लेकिन मेटामॉर्फोसिस के कारण एक स्थानबद्ध जंतु के अंदर, कम विकसित जंतु के अंदर बदल जाता है, तो इस प्रकार के जो कायांतरण है उसको अपन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ये जंतु है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनकी जो आर्न जो होती है वो यू शेप्ड होती है और इसमें सिलोम अनुपस्थित पाई जाती है। ये हर्मोप्रोडाइट होते हैं, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, ये सिंपल से एक ही जंतु होते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी जो ऑर्गेन है वो गिल्स पाए जाते हैं, यानी गिल्स के द्वारा इसके अंदर श्वसन क्रिया पाई जाती है और इनके अंदर अपूर्ण विकसित प्रकार का वो सर्कुलेटरी सिस्टम उपस्थित होता है जो कि बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो इनकम्प्लीटली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको अपन बोल सकते हैं। ये हीमोसाइनिन, इसमें ब्लड पिगमेंट पाया जाता है जिससे अपने अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके स्थान पर इनके अंदर हीमोसाइनिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गेन अनुपस्थित होते हैं यानी कि इसमें जो उसर्सी अंग है वो नहीं पाए जाते हैं। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, इनके अंदर भी जो जनन है वो अलैंगिक प्रकार से होता है और इनमें बडिंग के द्वारा जन्म होता है। इसके दो एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, हार्डमानिया और साल्पा। कि जो यूरोकोडेट है उसकी तीन क्लासेस है, एसिडेसिया, थेलेसिया और लार्वेसिया। और इसके अंदर एसिडेसिया है उसके अंदर दो ऑर्डर हैं, एंटीरोगोना और यूरोगोना। थेलेसिया के अंदर पायरोसोमिडा, डोलियोडा और साल्पा। लार्वेसिया के अंदर एंडो स्टाइलोफोरा एंड पोली स्टाइलोफोरा। तो ये जो क्लासेज है स्लाइड के अंदर आप उसको अच्छी तरह नोट कर लेना, तो इससे आपको जो यूरोकोडेट
सब फाइलम यूरोकोडेटा है, उसकी तीन तीन क्लासेस लार्वेसिया, एसिडेसिया और थेलेसिया, और इनके ऑर्डर्स के बारे में आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। देखते हैं एसिडेसिया जो क्लास है उसके क्या करेक्टर्स होते हैं। इसको अपन सी स्क्वाड्स भी कहते हैं, समुद्र पिचकारी भी इनको कहा जाता है। इसमें नोटोकोड तथा पोस्ट एनल टेल इनकी लार्वल स्टेज के अंदर ही पाई जाती है। ये जंतु जो है वो केवल समुद्री जल के अंदर पाए जाते हैं, एकल होते हैं या कॉलोनी बना करके रहते हैं, और इनके जो वयस्क होते हैं स्थानबद्ध जंतु पाए जाते हैं। इसमें जो ट्यूनिक जो है यानी कि जो जो ऊपर जो कवच है या खोल है वो मैट्रिक्स एसेलुलर मैट्रिक्स का बना होता है। जो एसेलुलर जो मैट्रिक्स है वो है एक ट्यूनिसिन पदार्थ होता है, उससे इसका खोल बनता है। इसमें दो ओपनिंग पाई जाती है, जिसमें एक को इनहेलेंट कहते हैं जिसमें पानी बॉडी के अंदर आता है, और एक्सहेलेंट जिसके द्वारा एक्सहेलेंट साइफन जिसके द्वारा जो पानी है बॉडी से बाहर की ओर निकलता है। ये हर्मोपरेट होते हैं और फिल्टर फीडर होते हैं। इसके दो ऑर्डर्स हैं एंटीरोगोना और ड्यूरोगोना। ठीक है, एंटीरोगोना जो है इसके अंदर अपन को एसिडेसिया जो है एग्जाम्पल अपन रख सकते हैं, जिसे अपन हार्मोनिया भी कहते हैं। और इसमें जो शरीर है दो भागों में डिवाइड है, थोरिक्स और एब्डोमेन के अंदर डिवाइड होता है, और इसके अंदर मुख्य जैसे न्यूरल ग्लैंड है, वेंट्रल गैंग्लियन, सिंगल गोनेड्स पाए जाते हैं इसमें। और जो लार्वा है उसमें दो सेंस ऑर्गेंस ओसेलाई और ओटोलिथ पाई जाती है, जो कि एग्जाम्पल है इसका एसिडेसिया। ड्यूरोगोना इसकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड नहीं होती है, केवल एकल शरीर होता है। इसमें न्यूरल ग्लैंड डोर्सल साइड पे या लेटर साइड पर लेटर गैंग्लियन उपस्थित होता है। इसमें गोनेड्स दो होते हैं या अधिक संख्या में हो सकते हैं। लार्वा विद ओटोलिथ, लार्वा के अंदर ओटोलिथ पाई जाती है, एग्जांपल इसका हार्मोनिया। थेलेसिया ये छोटी बेरल के समान एनिमल होते हैं, और इनमें ये भी फिल्टर फीडर होते हैं यानी कि जो परानिस्पंदन घोषित होते हैं। इसमें इनहेलेंट और एक्सहेलेंट साइफन अपोजिट डायरेक्शन के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि बॉडी के एंड जो पार्ट है उसके ऊपर उपस्थित होते हैं। इसमें दो जनरेशन का जीवन चक्र होता है, पहली जो जनरेशन है वो इसकी एकल और स्थानबद्ध होती है, यानी एकल सोलिटरी, और जो दूसरी जो है वो कॉलोनी बना करके भी ये रह सकते हैं। इनमें तीन ऑर्डर्स पायरोसोमीटा, डोलियोडा और साल्पा को शामिल किया गया है। देखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर है पायरोसोमीटा, जिसमें एग्जांपल पायरोसोमा है, और फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज इसके अंदर पाई जाती है। डोलियोडा एग्जांपल इसका डोलियोनम है, ये लार्वा विथ नोटोकोड यानी कि इसके लार्वल जो स्टेज है उसके अंदर नोटोकोड उपस्थित होती है। थर्ड जो इसका है साल्पा, साल्पीडा, जिसके अंदर टेल लार्वा एब्सेंट होता है, इनके अंदर ऐसा लार्वा पाया जाता है जिसके अंदर पूंछ नहीं पाई जाती है, एग्जाम्पल है साल्पा। फिर देखते हैं थर्ड जो क्लास है इसकी लार्वेसिया, और इसको अपेंडिक्यूलेरियस भी इसको कहते हैं। और ये जो इनकी ये लंबी लार्वा अवस्थाओं के जंतु होते हैं। देखते हैं इसमें लार्वेसिया के क्या क्या लक्षण अपन देखते हैं। ये प्लैंक्टोनिक होते हैं पहली बात तो, कि जल पे हुए तैरते हुए पाए जाते हैं, और इन्हें टंग तथा लॉन्ग थिन टेल पाई जाती है। इसमें नोटोकोड पाई जाती है जो कि पूरी जीवन काल पूरे जीवन भर इसके अंदर नोटोकोड उपस्थित होती है। इनकी बॉडी जिलेटिनस लेयर के द्वारा कवर होती है, लेकिन टेल के ऊपर ये कवरिंग नहीं पाई जाती है। इसके दो ऑर्डर है एंडो स्टाइलोफोरा और पोली स्टाइलोफोरा। एंडो स्टाइलोफोरा ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, और इसमें दो अप्रेसर पाए जाते हैं। इसमें फेरिंग्स तथा एंडो स्टाइल पाई जाती हैं, एग्जाम्पल इसका मेंडिकुलेरिया। और पोली स्टाइलोफोरा ये यही बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, इनमें सिंगल अप्रेसर पाए जाते हैं, फेरिंग्स में एंडोस्टाइल नहीं पाई जाती है। केवल इसका एग्जांपल है केवल लिविसकिया। फिर थर्ड जो सब फाइलम है वो है सिफेलोकोटेटा, और सिफेलोकोटेटा के लिए हमने कहा था ये मोस्ट एडवांस प्रोटोकोडेट्स होते हैं, और इनमें जो नोटोकोड है वो जीवन पर्यंत इंटीरियर टू पोस्टीरियर पाई जाती है। तो देखते हैं इसमें नोटोकोड, इसमें पूर्ण विकसित नोटोकोड पाई जाती है, और जीवन की सभी अवस्थाओं में यानी कि पूरे जीवन परिस्थिति इसके अंदर नोटोकोड की उपस्थिति देखी गई है।
और हेड टू टेल ये पाई जाती है। इसमें गिल स्लिट्स हैं वो संख्या में 100 तक पाई जाती है, न्यूमरस गिल स्लिट्स इसके अंदर पाई जाती है। डोर्सल नरकोड पाई जाती है, पोस्ट एनल टेल इसके अंदर पाई जाती है। यानी कि लार्वा के तीनों जो लक्षण हैं वो सिफेलोकोडेटा के अंदर स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं। और ये भी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं और इसकी जो अपीरेंस है वो फिश लाइक होते हैं, यानी कि मछली के जैसे दिखाई देते हैं। और इसमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, इसमें मेटामेरिज्म फाउंडेशन यानी कि जो बॉडी है वो सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिज्म पाए जाते हैं। इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो हीमोसाइनिन पाया जाता है। और इसमें केवल एक ही क्लास लेप्टोकार्डिया को शामिल किया गया है। देखते हैं लेप्टोकार्डिक क्लास के क्या लक्षण हैं। इसके अंदर वास्तविक जो हृदय है वो नहीं पाया जाता। इसमें एक जो हृदय है वो एक ट्यूबुलर हार्ट के रूप में एक ट्यूब लाइक संरचना होती है जो कि इसके अंदर पल्सेशन पाया जाता है, उसमें ही में स्पंदन पाया जाता है। इसमें जो ब्लड है वो कलरलेस ब्लड इसका उपस्थित होता है। इसमें ब्रेन अनुपस्थित होता है और इसमें एक्सक्रीशन और लिम्स भी नहीं पाए जाते, यानी कि एक्सक्रीटिव ऑर्गेन्स भी इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। इसमें बेकबोन नोटोकोड होती है, मतलब कि इसके पृष्ठ स्तर पर नोटोकोड उपस्थित होते हैं जो कि बेकबोन का कार्य करती है। इसका एग्जांपल है एम्फीओक्सिस। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए बहुत है, पढ़ेंगे इसके बारे में और जो भी है।